भी नहीं है, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है घर में, छठ का पर्व है, उफ एकदम थक जाते हैं। अब हमसे नहीं होता है, एक अकेला हम कितना काम करेंगे, अकूल आ रहे मानो तो पढ़ने चला जाता है। दीपिका कृति ये लोग सुनते भी नहीं है, बस क्या करें, वो लोग आएगी बस इधर जब किताब फेंक देगी और बस मोबाइल में लगी रहती है। मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ सुनती नहीं कुछ नहीं। हाँ मम्मी बोलिए ना, हम तो सुन ही रहे हैं। घर में छठ हो रहा है, छठ इतना बड़ा त्योहार है, कैसे होगा? भैया भाभी भी यहाँ नहीं है, बताओ तुम लोग भी नेक तो लेती हो कुछ। अकुल बेटा तुम कर लो ना छठ। आपको पता ना मम्मी, हमको छठ करने का बहुत मन है, पर मेरा ऑफिस का काम तो दो दिन के बाद जाना है। देखो ये बहुत बड़ा त्योहार है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। कैसे करेंगे बताइए? भानु है, भानु तुम कर लो, छठ कर लोगे? हाँ कर तो लेते, लेकिन मेरा एग्जाम आने वाला है ना। अच्छा एग्जाम है, चलो चलो खाना वाना खाओ, अपना आराम करो, देखा जाएगा सुबह क्या होगा। ठीक है अमित, गुड नाइट। अरे मम्मी छठ कर रही है, कैसे होगा सब कुछ? पता नहीं, मम्मी तो बोल रही कंपलसरी है करना, अब वैसे फास्टिंग रखना मैं से तो नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा फास्टिंग रखना पड़ता है। हम सुन रहे हैं भूखे भी नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते यार। अरे यार छठ में होता क्या है, कौन बताएगा कैसे होगा सब कुछ? हटाओ ना मम्मी को, करना है मम्मी समझ लेगी, छोड़ो छोड़ो। अरे मम्मी भैया कैसी हो? अरे तुम लोग आ गए सर। मम्मी जी हम तो इनको बोले थे कि मम्मी को कॉल करके बता दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। नहीं माँ, अगर पहले फोन करते तो आपको सरप्राइज नहीं मिलता, इसलिए हम लोग पहले नहीं फोन किए। और अचानक आ गए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बहुत अच्छा भैया। अरे दीदी इस बार तो बहुत मजा आएगा, मम्मी अंदर है। अरे रानी बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार तो सरकार लोगे एकदम, बहुत खुशी लगा, इस बार तो छठ बहुत अच्छा से होगा।